तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में बात कुछ ऐसी है। सो फाइनली दोस्तों मेरी कल की छौरी है पूरी और आज हम जा रहे हैं मार्केट। बट बिफोर गोइंग टू मार्केट सैनिटाइजर इज ऑन माय पॉकेट एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग मास्क। तो मैं अभी मास्क पहन लेता हूँ। सो असेंशियल चीज़ें है रेडी, तो अभी चलते हैं मार्केट की और मैं ड्राइव नहीं करूँगा, ड्राइव करेंगे शेरब भाई बिकॉज आई एम नॉट टू गुड इन ड्राइविंग। टेक दिस ब्रो। तो फाइनली अभी हम मार्केट की ओर जा रहे हैं और यार यकीन मानो कि आज से पहले मैंने ये सड़कें इतनी सुनसान कभी देखी नहीं। ओके गाइस वी आर इन द मार्केट राइट नाउ। अब ये मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ एक लोगों का जमावड़ा है, बट यार अच्छा लग रहा है देखिए कि लोग सोशल डिस्टेंस को, एज यू कैन सी लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए है। यू कैन सी एटीएम ओवर देयर। तो अभी हम मार्ट की ओर जा रहे थे बट हमें यहाँ पे मिली पुलिस एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। उन्होंने हमें यहीं पे रोका और हमारी बाइक को भी यहीं पे रोक दिया। अब इससे आगे हम बाइक लेकर नहीं जा सकते। यहाँ से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पे मार्ट है, तो अभी हमें वहाँ जाना है और वहाँ से कुछ असेंशियल सामान लेकर आना है। तो अभी हमने थोड़ा सा प्लान चेंज कर लिया है। पहले हम जाने वाले थे जेई मार्ट, बट क्योंकि जेई मार्ट थोड़ा सा दूर है यहाँ से और हमारी बाइक को अलाउड नहीं आगे जाना, तो अभी हम पीछे से ही जो असेंशियल चीज़ें हैं, कुछ एक चीज़ें हमको स्किप करनी पड़ेगी बट असेंशियल चीज़ें वी गोना टेक इट फ्रॉम लास्ट शॉप। तो दोस्तों यू कैन सी पुलिस बिहाइंड मी। जय हिंद पुलिस, यू आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब। लव यू पुलिस, हैप्पी पुलिस, जिंदाबाद। कोई भी नहीं है, रोड कितना अच्छा लग रहा है खाली। तो अभी हमें एक शॉप मिली है रोड पे और यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी इधर ही उतर गए। नेसेसरी चीजें हैं वो हम यहीं से परचेज करेंगे, तो फॉलो मी लेते हैं, कुछ सामान करते हैं परचेजिंग। लगभग 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे ये मार्क बने हैं। हाँ एक दे दो इसे और आलू दे दो 2 किलो। सो मोस्ट असेंशियल चीज जो अभी के लिए है वो है ब्लेड का पैकेट, क्योंकि मुझे गंजा भी होना है और इसके लिए मैं अभी जिलेट गार्ड इसको भी एक दिलवाने वाला हूँ, जो मैं ले रहा हूँ अभी। ओके वी हैव डन जी, थैंक यू। अच्छा ये तो बताओ लॉकडाउन चला कैसा है? भीड़ तो बहुत होती होगी यहाँ पे। ओके तभी हम यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे खाली देखा हमने ना। ओके गाइस वी हैव डन विद शॉपिंग एंड असेंशियल थिंग्स। तो अभी हम चलते हैं कुछ और सामान खरीदने। ये हम खरीदने वाले हैं अगली मार्केट से, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी। सर कैसा चला है लॉकडाउन? ओके अभी हमें अपने सर भी मिले थे, तो उनसे कुछ बात हुई और उन्होंने हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया कि मैं भी यहीं हूँ, तो स्टे सेफ स्टे हेल्दी। सो अभी मैं हूँ एटीएम पे और मुझे कुछ कैश विड्रॉल करना है, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोग हैं। सो आई हैव टू वेट ओवर देयर। You can see number 3, number 2, social distancing.
is properly maintained here. ओके अभी मैंने कैश विड्रॉल कर लिया है और यहाँ पे जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि जो हमारा सिक्योरिटी सर है ये सभी को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो सर सैनिटाइज दिखाएंगे आप अपने एक बार। तो मैं भी अंदर गया तो मुझे भी सैनिटाइज किया गया और जितने भी यहाँ पे लोग हैं सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सो वी हैव डन विद ATM, अभी हम चलते हैं सामान परचेज करने। अभी मैं शॉप के बाहर खड़ा हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है। और कौन सा ये वाला भी? और ओके मैं अभी सेकंड शॉप के बाहर था और पुलिस यहाँ पे भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो हैट्स ऑफ टू पुलिस वंस अगेन। अभी चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। 3 मई तक लॉकडाउन हो चुका है। 3 मई? हाँ बहुत बढ़िया। तो हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और अभी हम चल पड़े हैं रूम की, और फिर बहुत स्पीड फैशन में हमने लगभग 15 मिनट में सारा सामान परचेज कर लिया और अभी हम बैग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो यार अब दिन को आराम से खाएंगे, जो चीज़ें हमने ली हुई है तो देख सकते हो सारी चीज़ें, तो इसको हम रूम पे बैठ के खाएंगे और वी गोना हैव फन। सो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम और ये है हमारी बिल्डिंग, तो अभी मैं उतर जाता हूँ। ओके सो अभी पहुँच चुके हैं हम रूम, शॉपिंग करके बड़ा मज़ा आया और ऐसा लगा यार कि हम वर्षों से कैद में थे और आज थोड़े से आज़ाद हुए, और फिर 3 मई तक कैद में जाना है तो लॉकडाउन का पालन तो करना पड़ेगा। इट्स फॉर अस, इट्स फॉर ऑल द कंट्री एंड ऑल द वर्ल्ड। अभी रूम पे देखते हैं, देखते हैं दोस्तों का रिएक्शन। क्यों शेरा भाई, दोस्तों का रिएक्शन क्या होता है? 3 मई तक हो गया है लॉकडाउन, राजस्थान वाले बंदे रहे यहीं पर। क्या कहना है आपका? हम छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, हम यहीं पे रहेंगे और जी सत्र में काम करेंगे। बाहर से आए तो सैनिटाइज करना जरूरी है, और जितना भी हमने सामान परचेज किया हुआ है उसको भी हम सैनिटाइज करके धूप में रख लेंगे। एटलीस्ट यार कुछ टाइम धूप में रखो तो अगर उसमें बारिशें होंगे तो वो मर जाएंगे। और जो मास्क है इसको भी इसके बाद मैं धोकर रख लूंगा और धूप में सुखाऊंगा, तो कीप इन टच। सो दोस्तों आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मज़ा आया और मार्केट देखने को मिली। यार मैं गंजा क्यों होने वाला हूँ ये बताऊँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे क्लोज। आप लोग जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नाचो गाओ, झूमो फिरो, पढ़ो लिखो, जो करना है करो, मुझे क्या। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।